स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये जालीदार कंधा कैसे बनाया जाता है, यानी शोल्डर। तो चलिए शुरू करते हैं बड़े आसानी से। ये देखिए, लंबाई हम 40 लेने वाले हैं, चेस्ट 34, वेस्ट 30, हिप 34, बाजू 21, बाजू की मोहरी 18 और दामन यानी नीचे का घेरा 18। तो चलिए देखिए, ये सूट तो हम बनाएंगे, मगर इसमें ये जानना कि आसान तरीके से कैसे बनाएं, ये सीखने के लिए आप पूरा वीडियो प्लीज ध्यान से देखें। और इसमें आपकी दोनों चीज़ हो जाएंगी, अस्तर वाला सूट कैसे बनाया जाता है और शोल्डर को जालीदार किस तरीके से आसान तरीके से बनाया जाता है। यानी कि वैसे तो शोल्डर जालीदार हो जाएंगी, मगर आसानी से कैसे बनेगा। ये देखिए, जालीदार कपड़ा है, इसे हमने डबल कर दिया। और ये देखिए, कोरी खींच रही है, तो इसे हम, ये नेट के कपड़े में इधर ज़्यादातर होता है, तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से कटिंग कर देंगे ताकि ये खींचे नहीं, ये बैठ जाए। ये देखिए, चलिए ये खींचा हुआ जो है वो खुल गया। और अब हम इसे डबल से चौपल कर देंगे, यानी चार लेयर हो जाएंगी, तो ये हमारा आगे और पीछे दोनों साइड का निकल जाएगा। ये देखिए, अच्छे तरीके से उल्टी साइड से ये हम इसे इस तरीके से डबल कर देंगे, ये चार लेयर हो गई, ये दोनों साइड का कट जाएगा आगे और पीछे। लंबाई हमारी 40 थी। ये देखिए, इसे पहले हम सेव करेंगे बराबरी में, और ये मोड़ने के लिए हम 1 इंच लेते हैं। ये लंबाई हम 40 ली यहाँ से, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और 1/2 इंच फिर ऊपर का सिलने के लिए मार्जिन छोड़ते हैं। ये देखिए, ये निशान हमने डबल लगा दिया। ये शोल्डर हमने 12 इंच ले लिया, और ये चेस्ट 34 का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन लिए हैं। ये कमर 30 का चौथा भाग 7.5, देख सकते हैं आप। और फिर कमर का 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे 18 इंच, और यहीं पे हम लेंगे हिप का चौथा भाग, 34 का चौथा भाग। ये देखिए, 8.5 और 1 इंच मोड़ने का हमने एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए, हर जगह आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा काटने में। ये देखिए, ये हमने निशान लगा दिया। ये तो दामन है, यहाँ से खुलेगा वो चाक, तो ये हमने राउंड कर दिया। ये देखिए, कमर पर राउंड कर दिया हम। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे राउंड कर देना है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये मोंढे की कटिंग तो बताए नहीं, तो ये हम गोल चढ़ाने वाले, ये आप कम ज़्यादा रख दे, प्लेन रख दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में छांट के इसे सेट कर सकते हैं। वो तो फिक्स कटिंग में होती है कि आपको बाद में छांटना ना पड़े और बाजू चढ़ जाए। ये देखिए, यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। चलिए, निशान लग गया। चलिए अभी गला काट लेते हैं। गला तो हमारा बोट नेक डिज़ाइन है। ये देखिए, 3.5 इंच, और यहाँ से फिर 3.5 इंच। ये देखिए, चलिए यहाँ सब इसे कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने शोल्डर ज़्यादा चौड़ा नहीं रखा, लगभग 2 इंच के बराबर होगा।
ये देखिए आराम से ये कट चुका है। ये देखिए ये गला कट चुका है। अबे ये बाजू हम काटने वाले हैं, इसे हमने डबल कर दिया। ये देखिए और ये बाजू हमने 4 इंच रखा और यहाँ से मार्जिन 1 इंच और ये कमर का 4th भाग और रखें, बहुत अच्छा होता है। ये देखिए ये थोड़ा सा राउंड हम कर दिए हैं और यहाँ पे इस तरीके से चौक लगा दिए हैं। इस पर आपको कुछ नहीं करना है, वो आप वहाँ से सीधा आप चल जाइए और थोड़ी सी राउंड लीजिए अंदर के साइड, तो आपकी आराम से बाजू बैठ जाएगी। ये कपड़ा ऐसा होता है कि 19-20 चल जाता है। ये देखिए ये कटिंग हो गई बाजू की, वेरी सिंपल वेरी इजी। ये अस्तर है, ये देखिए कोर साइड से दोनों हमने पकड़ा इसे डबल के इस तरीके से। चलिए अब इसे नापी से हम बैठा लेते, पहले वो हमारी कितनी थी 19 इंच। ये देखिए ये हमने 10 पर निशान लगाया, थोड़ा एक्स्ट्रा एयर लेके चलते हैं। ये यहाँ हमने इस तरीके से इसे घसका लिया, खिसका के, और इस पर हमें कुछ नहीं करना है, बस नेट वाले पीस को बराबरी पे हमें डबल करके रख देना है। ये देखिए ये हमेशा इस तरीके से अस्तर छोटा होता है 1 इंच, लेकिन हम इसमें बराबर रखने वाले हैं और अटैच कर देने वाले नीचे के साइड। ये देखिए ये हमने बराबर कर रहे हैं, आराम से बराबर कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप बराबरी से थोड़ा सा बड़ा भी रखते हैं इसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप शेप कर सकते हैं, मगर छोटा किसी हाल में मत रखिएगा। ये देखिए आराम से काट लीजिए इसे। ये भी बराबरी काटिए ताकि बाद में आपको अटैच करने में दिक्कत ना हो। ये देखिए अस्तर कट चुका है बहुत आसानी से। चलिए अब आप मशीन पर आ चुके हैं, देखिए आप देख सकते हैं ये हम गला काटने वाले हैं। यहाँ से 4 इंच हमने ले लिया है, ये देखिए यहाँ पे हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। बैक साइड हम वी बनाने वाले हैं, और नहीं बैक साइड हम सॉरी बैक साइड हम बोट डिज़ाइन बनाने वाले हैं और आगे की साइड वी बनाने वाले हैं। देख लीजिए कैसे ये हो गया, जितना आप डीप ले सकते हैं उतना डीप ले सकते हैं, ये हम 5 इंच ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ से आप इसे इस तरीके से राउंड कर दें। ओके ये फ्रंट हो गया और अब बैक की बारी। ये फ्रंट हो गया इस तरीके से, ये रहा बैक। बैक में भी आप जितना डीप ले सकते हैं उसको यहाँ से इस तरीके से 6 लेने वाला है कि ये इस तरीके से राउंड हो गया। ये देखिए ये बैक साइड का बन गया। ये देखिए बहुत ही आसान, अब इसको फिट करना और भी आसान है। ये देख लीजिए कैसे ये है और ये भी वाला है। तो सबसे पहले आप इसको एकदम पतला मोड़ दीजिए, सिंगल डबल नहीं करना आपको, याद रखिए। ये पीछे हाथ दीजिएगा तो टनाएगा नहीं आपका अस्तर। ये देखिए इस तरीके से पीछे इसको, ये देखिए। दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए ये गला कटा हुआ है और अब हम इस पर कुछ नहीं करना है, बस इसे हम ऊपर की साइड रखेंगे। अगर ज़्यादा आपसे मुड़ चुका है तो इस तरीके से सेव कर ले, वरना कोई बात नहीं है, इसे आप रहने दें। ये देखिए
ये जो हमने मुंडा काटा हुआ था उसके बराबरी में आप इसे सेट कर लें। ये देखिए, ये बिल्कुल भी बहुत ही आसान है। ये देखिए, देखने में ये डिज़ाइन हार्ड लगता है लेकिन बहुत ही आसान है ये। ये देखिए ये अस्तर वाला सूट, मतलब अगर आपने कभी अस्तर वाला सूट नहीं सिया है तो इससे आप इस फॉर्मूले से अस्तर वाला सूट भी सिल सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसान, बहुत इजी तरीके से हमने बताया है इसे। ये देखिए, यहाँ पे ये बड़ा होता है और अटैच नहीं होता है अस्तर और सूट, लेकिन हम इसे अटैच करने वाले हैं। ये देखिए, अब ये साइड भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे दोनों को। ये देखिए, ये फ्रंट का तैयार हो गया। अब बैक साइड भी उसी तरीके से हमको करना है। ये देखिए, इसे हम बहुत ही बारीक और पतला फोल्ड कर देंगे। ये पीछे मैंने हाथ इसलिए रखा कि ये टना नहीं, टनेगा तो ये थोड़ा मतलब मुड़ा जैसा हो जाता है, मुड़ जाता है। ये देखिए, आराम से बैठ गया। बस इसमें कुछ नहीं करना, हमें इसे अटैच कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, ये हो गया। अब फिर हम इसे दोनों साइड अटैच कर देंगे। ये देखिए, कितना आसान और कितना खूबसूरत ये बन रहा है। चलिए इसी तरीके से दोनों साइड अटैच कर लेते हैं। ये हमारा दोनों साइड अटैच हो गया। ये अब हम शोल्डर जोड़ने वाले हैं, यानी कंधा। तो हम एक साइड जोड़ेंगे, देखिए कैसे। ये देखिए, एक कंधा जोड़ेंगे और एक कंधे से हम एक घुंघरू वाली लेस है उसे हम लगाना चालू करेंगे। ये देखिए, ये लेस है। वीडियो में शाइनिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया, लाइट की कमी थी तो मैंने इसे थोड़ा लाइट बढ़ा दिए हैं तो वो शाइनिंग कर रहा है। ये देखिए, ये मैंने शायद एडिटिंग कर दिया हुआ है, लेकिन मैंने सिंगल फुट का इस्तेमाल किया, देख सकते हैं आप। ये डबल पैर नहीं है, ये सिंगल फुट लगा हुआ है, सिंगल बूट भी कहते हैं इसे। वो आप चेंज कर लें तो ये मोती वाले लेस पे वो ज़्यादा आसानी से चलती है। ये देखिए, सिंगल फुट लगा हुआ है, ध्यान दें सुई के वहाँ पे। चलिए इसे काट देते हैं। ये देखिए, जब सिंगल फुट लगा है तो हम बाजू पे भी लगा ही लेते हैं, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो जाएगा।
ये चीज़ भी ध्यान रखना बहुत अच्छी कलाकारी है टेलर के दृष्टि से। अगर आप टाइम नहीं बचाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक लग गया, ये दूसरा। ये देखिए सिंगल फुट हमने लगाया था, अब इसे खोलकर हम डबल फुट कर देंगे। ये डबल फुट से अब इसे अंदर के साथ पक्का कर ले। ये देखिए इसे भी कर लेते हैं उसी तरीके से। ये देखिए मोती वाला लेस लग चुका है तो ये और भी खूबसूरत लग रही है। चलिए अब साइड को हम दबा देते हैं ताकि साइज जो भी है वो एक्यूरेट आ जाए। ये देखिए निशान हम काटेंगे ताकि चौक का जो निशान हमने दिया था वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं अस्तर के साथ। ये देखिए ये देखिए 34 का आधा भाग 17 और ये 30 का आधा भाग 15 पर लगा दिए हैं। चलिए और वहाँ पे हिप पे तो हमने 1 इंच मार्जिन रखा ही था, उससे नापने की जरूरत नहीं है, 1 इंच हमें कम रख देना बस। ये देखिए यहाँ हम आ गए और यहाँ से फिर राउंड एक सिलाई ले लेंगे। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चलिए ये सब यहाँ शुरू करते हैं, 1 इंच छोड़ दें आप बाहर के साइड और ये राउंड ले लें। ये देखिए ये हल्का सेप कर दें आप ताकि राउंड बैठने में आसानी हो, अगर कपड़ा ज़्यादा रहेगा तो वहाँ बैठता नहीं है। चलिए इस पर आप सिलाई चला देते हैं। मैंने कहा था आपको बार बार ये अलग होता है लेकिन मैंने इसे अटैच रखा है। क्योंकि अटैच वाले भी चलते हैं, अगर कॉटन का आप बना रहे हैं कॉटन अस्तर है तो आप अलग ही रखिए क्योंकि वो धुलने के बाद थोड़ा सा खींच लेता है। चलिए अब इसे चारों तरफ मोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। अगर आप सूट सीखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना वीडियो को पूरा देखेंगे तो और भी अच्छा रहता है।
ये देखिए, चलिए इसे हमने फोल्ड कर दिया चारों तरफ से। ये देखिए, और इसे हम किनारे पे एक सिलाई चला देते हैं। सूट में चलने पर ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, अगर आप सिंगल छोड़ेंगे तो बहुत ही ख़राब लगता है, इसलिए हम इसे किनारे पे एक और सिलाई चला देते हैं। ये देखिए, ये सूट लगभग तैयार हो चुका है, सिर्फ इसमें बाजू लगाना बाकी है। ये बाजू है, चलिए इसे हम 4 इंच लेते हैं। ये देखिए, मोतियों का आराम से ध्यान से सिए, यहाँ पे सूट टूटने की संभावना बहुत रहती है। चलिए ये हमने एक सिल दिया, ये देखिए, ये दूसरा ब्लॉक भी सिल दिया, मतलब दूसरा बाजू भी हम सिल दिए। चलिए अब इसे हम अटैच कर देते हैं सूट पे। ये देखिए, इस तरीके से आप सेव करें और आगे गड्ढा भी जरूर करें ताकि ये बैठ जाए। ये देखिए, गोल बाजू हम चढ़ाने आपको बता रहे हैं, ये भी बहुत आसान होता है गोल बाजू चढ़ाना। ये देखिए, ये हमने एक बाजू चढ़ा दिया, अब ये दूसरा बाजू, ये इस तरीके से हल्का डीप कर दें आगे की साइड। हर बाजू, हर ब्लाउज में, हर सूट में ऐसा करें, अगर आप आगे साइड डीप रखते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत बैठेगी। ये देखिए, इस तरीके से सेव कर लें और आगे डिप कर दें। ये देखिए, इसे आर्म होल भी कहते हैं इंग्लिश में।
ये देखिए पूरा सूट तैयार हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा और बहुत ही आसान। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और भी हमारे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन हमेशा खुशियों से भरा रहे और मंगलमय हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।